तो मैं यूज कर रहा था ये एंड्रॉइड टैबलेट एज एन आईपैड यूजर, क्योंकि मैं आईपैड का ही यूजर हूँ बहुत टाइम से। एंड अभी रिसेंटली मैंने अपना पहला एंड्रॉइड टैबलेट वन प्लस पैड गो परचेज किया था, उसका रिव्यू ऑलरेडी है चैनल पे, बाद में देख लेना। तो मैंने रियलाइज किया कि भाई एंड्रॉइड टैबलेट भी आईपैड से कम तो नहीं है। तो आज हमारे पास लेनोवो पैड P11 का सक्सेसर है ये, और ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, देखते हैं फिर क्या खास है इसमें। तो ये रहा अपना बॉक्स, सामने की तरफ कुछ ऐसा सा है, पीछे इसकी जानकारी। ये रहा अपना टैबलेट, मैं पहले अनबॉक्स कर चुका हूँ। 20 वॉट्स का लेनोवो का चार्जर एंड ये यूएसबी वाला है। 20 वॉट्स थोड़ा सा कम है, 30 वॉट्स तो एटलीस्ट देना चाहिए था यार चार्जर। और एक आती है यूएसबी टू टाइप सी वाली केबल, क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी, और एक अपना सिम इजेक्टर टूल। एंड ये रहा फाइनली अपना बहुत ही प्यारा सा टैबलेट, काफी बड़ा बड़ा लग रहा है यार, और ठंडा ठंडा भी। टॉर्म ग्रे कलर है इसका नाम। पीछे हमारा कैमरा मॉड्यूल है एंड ये वर्टिकली प्लेस्ड है। बाकी पीछे का जो अपना सर्फेस है वो पूरा मैट फिनिश में आता है, कोई ग्लोसी तड़के नहीं है। ये वाला जो साइन है ये एक्चुअल में मैग्नेट है पेंसिल चिपकाने के लिए, और यहाँ अपने लेनोवो की ब्रांडिंग। तो अपने टैब की जो लुक है ना पीछे की, वो काफी प्रीमियम लगती है। बाकी हल्के फुल्के फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, बट इतने ज्यादा देर तक रहते नहीं है, हल्का सा भी ऐसे साफ भी कर लोगे तो साफ हो जाएंगे। बाकी नीचे की साइड हमें दो स्पीकर ग्रिल्स मिलती है, और बीच में अपना टाइप सी पोर्ट। राइट साइड भी अपनी पूरी प्लेन है, बस दो यहाँ पर हमारे माइक के लिए छेद दे रखे हैं, और ऊपर वॉल्यूम कम ज्यादा करने के बटन। एंड एक बटन यहाँ पर हमें टॉप पर भी मिलता है, ये अपना लॉक अनलॉक, और इसके अंदर इनबिल्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दे रखा है। और इसके बगल में भी दो स्पीकर ग्रिल्स हैं, और एक यहाँ पर स्लॉट मिलता है मेमोरी कार्ड डालने के लिए। बाकी लेफ्ट साइड पर हमें यहाँ पर पोको पिन मिलती है, ये इसके कीबोर्ड को अटैच करने के लिए है। तो बेसिकली अपने टैब के साथ स्टाइलस और जो कीबोर्ड होता है ना, मैजिक कीबोर्ड जैसे एप्पल का आता है, उन दोनों का सपोर्ट है। बाकी ओवरऑल टैब का जो डिजाइन है वो बॉक्सी है, एजेस भी स्मूथ है, हाथ में पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। एंड देख सकते हो काफी ज्यादा स्लिम है आईफोन के कंपैरेटिवली। आईफोन 13 भी इससे मोटा है भाई, 6.9 mm की थिकनेस है। एंड वेट की बात करें तो कुछ 615 grams का इसका वेट है। अब यार इतने बड़े साइज का टैबलेट है तो इतना वेट तो होगा ही, पर हाथ में लेने में बहुत लाइट वेट फील होता है, कोई भी हैवीनेस तुम्हें लगेगी नहीं इसमें। और पूरा मेटल बिल्ड में आता है, तो हाथ में लेके भाई बहुत ही प्रीमियम फीलिंग आती है, मजा आ जाता है बिल्कुल। बाकी कैमरे के नीचे यहाँ पर हमें फ्लैश भी मिलती है इसकी, और फ्लैश काफी कम टैबलेट्स में देखने को मिलती है, इवन आईपैड में भी नहीं आती फ्लैश। एंड फ्रंट का लुक कुछ देख सकते हो ऐसा सा है, कम बेजल्स हैं इसकी, तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी बहुत ही बढ़िया है इसका, और फ्रंट कैमरा इसका हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। बाकी आगे का ये कांच भी काफी सॉलिड है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है इसके अंदर, पर फिर भी मैं यही कहूंगा स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करो और गिरने से बचाना भाई, कुछ नहीं पता यार कब कुछ हो जाए। एंड डिस्प्ले देखने में भी बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी लगती है, तो इसमें आती है 12.7 इंचेस की 3K डिस्प्ले, 2944x1840 का रेजोल्यूशन है। तो अपने 13 इंच वाले मैकबुक से कंपेयर कर सकते हो, काफी ज्यादा ऑलमोस्ट उतनी डिस्प्ले मिलती है, मतलब भाई इसको इसके ऊपर रख के चला सकते हैं हम। पूरी रेक्टेंगुलर शेप में आती है, और 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है इसका। तो यूट्यूब देखते वक्त ना बेजल्स भी काफी कम कम बचते हैं, और वो भी अगर तुम जूम टू फिल कर दोगे तो फुल स्क्रीन कवर जाती है, तो मतलब उल्टा सीधा एस्पेक्ट रेशियो नहीं है, मतलब कुछ टैबलेट्स में आता है ना, जैसे 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है इसकी। इंडोर के हिसाब से तो बहुत ही सही है, मोर देन इनफ है, लेकिन आउटडोर में थोड़ी सी कम लगती है, अगर तुम बहुत ज्यादा ब्राइट दिन के अंदर बाहर निकलोगे ना तो फिर कम फील हो सकती है इसकी ब्राइटनेस, घर के अंदर तो आराम से काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड 96% DCI P3 का कलर गैमेट है, काफी क्लियर एंड वाइब्रेंट कलर्स आते हैं भाई। वैसे OLED से ऊपर कुछ होता नहीं है, और OLED देखने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन भाई इसकी डिस्प्ले में ना मुझे OLED जैसा मजा तो आ गया कलर्स के अंदर। बेशक ब्लैक्स उतने तगड़े नहीं थे, बट भाई काफी हद तक अच्छी डिस्प्ले है, LCD से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। तो भाई कंटेंट कंजम्पशन करो, मूवी वूवी देखो, या फिर अगर तुम कोई कलर एक्यूरेसी वाले काम भी करते हो ना, तो काफी सही एक्सपीरियंस रहेगा, कलर्स की कमी नहीं है। पर एक चीज है कि यार रिफ्रेश रेट इसका 60Hz का है, जो कि मुझे थोड़ा कम लगा यार, एटलीस्ट 90Hz देना चाहिए था। मैंने जो भी OnePlus Pad Go रिव्यू किया था उसमें भी 90Hz आता है, तो वो ना काइंड ऑफ स्मूथ वाइब देता है, और आजकल ज्यादा रिफ्रेश रेट चला चला के ना आदत पड़ गई है। आईपैड में 60Hz इतना ज्यादा फील नहीं होता, बट भाई एंड्रॉइड टैबलेट्स में तो होता है, तो इनमें तो देना चाहिए हाई रिफ्रेश रेट। एंड TUV रेनलैंड सर्टिफिकेशंस भी है, फ्लिकर फ्री और फुल केयर 3.0 का, तो मतलब आंखों के लिए भी ज्यादा हार्मफुल नहीं है डिस्प्ले। बाकी यूट्यूब पर आराम से 4K वीडियोस चल जाती है HDR के अंदर, क्योंकि इसमें HDR का भी सपोर्ट है। पर हाँ नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो पे मैंने HDR चला के देखा, तो वहां इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा था, मे भी हो सकता है अपडेट के साथ धीरे धीरे फिक्स हो जाए। लेकिन एक चीज है, इसका जो टाइप सी पोर्ट है उससे डिस्प्ले आउटपुट हम नहीं ले सकते। अब तुम कहोगे भाई टैबलेट में क्या करना है डिस्प्ले लेके, भाई कुछ लोग होते हैं ना जो प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं या ऑफिस पर्पस के लिए यूज करते हैं टैबलेट्स, उनको डिस्प्ले आउटपुट जरूरी होती है प्रोजेक्टर वगैरह में लगाने के लिए, जबकि मेरे हिसाब से दे सकते थे आराम से। तो प्रोसेसर इसके अंदर MediaTek Dimensity 7050 8 कोर्स के साथ, GPU है इसके अंदर Mali G68 एंड 8GB की LPDDR4X RAM है soldered obviously यार, और स्टोरेज है 128GB की UFS 2.2। अब यहाँ भी देखो 3.0 तो मिनिमम देनी चाहिए, 2024 चल रहा है सह लेंगे, बट ठीक है। और हाँ इसमें 256GB वाला वेरिएंट भी आता है, अपने पास तो 128 वाला है, 256GB इससे 2000 महंगा है। इसका प्राइस है कुछ 25,000 का, उसका है 27,000 का अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बाद का मुझे नहीं पता, ऊपर नीचे हो जाए तो गाली वाली मत देना यार। और हाँ मेमोरी कार्ड लगा के 1TB तक मैक्सिमम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ
एंड्रॉइड 5.1 मिलता है एंड सॉफ्टवेयर वाइज एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल सीधा। अब अगर परफॉर्मेंस देखें तो मैंने कुछ बेंचमार्क रन करे, गीकबेंच 6 का स्कोर देख सकते हो और एंटूटू में हमें ये स्कोर मिला था, तो परफॉर्मेंस तो सही निकाल रहा है प्रोसेसर के हिसाब से एंड मुझे एज सच कोई हीटिंग इशू भी फेस नहीं हुआ इसके अंदर काफी देर तक भी अगर इसे यूज करते हैं तो। इवन चार्जिंग पे लगा के मैंने इसे यूज किया, कुछ ज्यादा हीटिंग इशू नहीं था, तो प्रोसेसर स्टेबल तो है। मैंने 1-2 घंटा या 3 घंटा मैक्सिमम चलाया होगा तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, पर हाँ मेटल बॉडी है तो मे बी अगर सूरज की धूप की छाया में तुम यूज कर रहे हो तो दिक्कत आ सकती है। और प्रैक्टिकली इस टैबलेट में तुम मल्टीटास्किंग वगैरह आराम से कर सकते हो, कई सारी एप्स एक साथ चलाओ भाई यूज करो, बना इसलिए होता है टैबलेट यार, इसमें फीचर इसलिए होते हैं, वो काम नहीं करेंगे तो फायदा क्या। तो काफी बड़ी बड़ी स्क्रीन है, मल्टीटास्किंग करने में मजा आता है, पर हाँ कई जगह पर अगर बहुत सारी एप्लीकेशन रन करो ना तो एनिमेशन हल्के हल्के जिटर करने लग जाते हैं एंड वो जनरली हर बजट टैबलेट में ये दिक्कत आती है, आईपैड में नहीं आती बट एंड्रॉइड टैबलेट में आती है। पर एक चीज बहुत बढ़िया लगी मुझे कि इसमें कोई हैंगिंग इशू नहीं था, मैंने बहुत सारी चीजें एक साथ रन करी टैबलेट हैंग नहीं हुआ भाई। तो अगर तुम कोई स्टूडेंट या ऑफिस पर्पस के लिए टैबलेट खरीद रहे हो जिसमें तुम अपने बेसिक से सारे काम वाम करो और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ले रहे हो तो वो सारे काम बहुत ही आराम से चल जाएंगे एंड अगर हाई लेवल अगर तुम्हें फोटो एडिटिंग वगैरह भी करनी है ना तो वो भी आराम से ये चला देगा, बट वीडियो एडिटिंग मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, मतलब कर सकते हो पर भाई टैबलेट में ना होती नहीं है तो उसके लिए लैपटॉप ज्यादा सही रहता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो। बाकी अगर कोई ऐसा बंदा है जो टैबलेट पे करता है 1080p तक तो बढ़िया करा देगा, उससे ऊपर मैं कह नहीं सकता। और अगर बहुत ही शौकीन हो ना परफॉर्मेंस के तो मैं यही कहूंगा कि एटलीस्ट ऐसा टैबलेट प्रेफर करो जिसमें स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन वाले कोई प्रोसेसर आते हो या फिर आईपैड एयर M1 की तरफ भी जा सकते हो, उनमें तुम्हें तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, फिर थोड़ा बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। बाकी अगर गेमिंग करते हो तो कुछ गेम भी खेल ले अब। ओ भाई क्या एनिमेशन आ रहा है, वाह कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा करती है। तो भाई तो पहले BGMI खेल रहे हैं और यहाँ ग्राफिक सेटिंग में हमें स्मूथ के अंदर एक्सट्रीम तक ऑप्शन मिल रहा है और बैलेंस के अंदर अल्ट्रा तक, बाकी HDR तक जाओगे तो भी अल्ट्रा तक का प्रीसेट मिलता है। तो हम खेलेंगे स्मूथ एक्सट्रीम में क्योंकि यहीं पे हमें 60 FPS मिलेंगे भाई। चलो भाई शुरू करते हैं। ओ भाई क्या ही स्मूथ चल रहा है यार, मजा तो आ रहा है यार बढ़िया वाला। हेलमेट उठा लो भैया, सामान उठा लो, कुछ भी कहो यार, इतनी बड़ी स्क्रीन में ना सर चकरा जाता है एक बार तो भाई, कि क्या हो रहा है, टीवी पे गेम खेल रहा हूँ क्या मैं। अरे साले, तो अब खेल रहे कॉल ऑफ ड्यूटी और यहाँ पर ग्राफिक्स में हमें हाई के अंदर वेरी हाई तक का सपोर्ट मिलता है, अगर मैक्स कर दूंगा ना मैं तो लो पे चला जाएगा और मीडियम पे भी वेरी हाई तक ही चलेगा, तो मैक्स पे सबसे ज्यादा FPS आएंगे, पर हम खेलेंगे भाई हाई वेरी हाई पे खेलेंगे। इस पे भी स्मूथ चल रहा है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। अरे अबे बंदूक कैसे चलेगी भाई, एक तो स्क्रीन इतनी बड़ी है ना, एक तो पता नहीं चलता, ग्राफिक्स की क्वालिटी बहुत सही आ रही है भाई। हट जा। अरे अरे नहीं 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 नहीं, मार गया साला, उमर गया वे। आ आ आ, भाग भाई भाग भाग भाग। ओ भाई मार ही दिया। अब एस्फाल्ट 9 खेल रहे हैं और हाई क्वालिटी पे कर दिया हमने और ग्राफिक्स क्वालिटी भी हाई पे कर दी हमने, इसमें भी खेल ही लेते हैं भाई और गाड़ी घुमा देंगे भाई साहब। भाई सेंसर्स तो बढ़िया काम कर रहे हैं इसके, जायरोस्कोप भी बढ़िया काम कर रहा है और ये भाई साहब फुल नाइट्रो देते हो, एक गाड़ी घुमा देंगे भाई, खींच के रख दे मीटर, ये अच्छे बेटे अब घुमाएंगे गाड़ी, देख ऐसे घुमाते हैं गाड़ी। गेमिंग परफॉर्मेंस तो इसमें बहुत ही सही आती है, एक भी बार गेम लैग नहीं हुआ मैंने काफी देर तक खेल के देखा, तो गेमिंग के लिए मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ अगर तुम्हें कैजुअली खेलना है ना तो वो बढ़िया मजा दे देता है। एक तो इसकी स्क्रीन इतनी बड़ी है ना, अलग ही ऐसे इमर्सिव सा एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो अपना फ्रंट कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और रियर कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, यार फ्रंट कैमरा की क्वालिटी देख सकते हो भाई, लग तो बढ़िया रही है यार एंड बैक कैमरा की क्वालिटी भी मुझे बहुत बढ़िया लग रही है, मतलब फोकस भी काफी हद तक सही काम कर रहा है इसका। और एक पिक्चर अगर हम लेके देखें फ्लैश के साथ और एक बिना फ्लैश के, तो ये फोटो आई है भाई फ्लैश के साथ, काफी सही डिटेलिंग आ रही है यार एंड ये विदाउट फ्लैश है, तो इसमें भी हमें अच्छी क्वालिटी लग रही है। फ्रंट कैमरा भी बढ़िया क्वालिटी ले रहा है भाई, देख सकते हो तुम यार यहाँ पर, एंड अच्छा खासा वाइड भी है यार, तो ऐसे वीडियो कॉलिंग वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी, फुल कवर वगैरह दिखा दो भाई साहब। तो कैमरा सैंपल देख सकते हो फ्रंट के अंदर ऐसी फोटोज आती है, मतलब क्वालिटी वाइज तो बढ़िया लग रही है एंड रियर कैमरा की भी सैंपल्स देख सकते हो, मैंने अलग अलग जगह पर कैप्चर करके देखा एंड फ्रंट कैमरा की वीडियो बहुत ही ज्यादा सही आ रही है भाई, बहुत ही ज्यादा वाइड कैमरा है ये और एकदम अच्छी सी मस्त क्लिप आ रही है। माइक की क्वालिटी देख लो भाई, जैसी भी लगे इसी के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, तो मुझे तो बढ़िया लगा इसका कैमरा। तो फ्रंट कैमरा में हम 4K 30 FPS तक मैक्सिमम शूट कर सकते हैं बट रियर कैमरा में सिर्फ 1080p तक। क्या अभी टाइम लगेगा? एंड ये वीडियो देख सकते हो, ये रियर कैमरा से बना रहा हूं मैं अपने स्टूडियो की, काफी ज्यादा जर्की और कम क्वालिटी की लग रही है यार मुझे एंड लाइट देख सकते हो कैसे कैप्चर कर रहा है लाइट को, भाई फोकस तो सही कर। बाकी इस टैबलेट की असली जान है भाई इसके स्पीकर्स, दोनों साइड दो दो लगे हुए हैं और सारे 1 watt के हैं, लेकिन ये JBL ने ट्यून करे हैं और Dolby Atmos ने ऑप्टिमाइज, सुन के देखो एक बार।
भाई स्पीकर बहुत ही ज्यादा लाउड है, प्यारी बेस आती है एकदम मस्त वाली, जो तुम किसी भी मोबाइल या फिर लैपटॉप में भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ऐसी क्वालिटी की साउंड है भाई। JBL ट्यून कर रहा है, ऐसी थोड़ी ना हल्की चीज सुनी नहीं सकती फिर। और जब भी ऐसे गाने वाने सुनो तो काफी बढ़िया स्टीरियो इफेक्ट आता है, लेफ्ट से राइट से बहुत ही प्यारी आवाज आती है। तो मूवीज देखो, गाने वाने सुनो भाई, एंटरटेनमेंट फुल तगड़ा मिलेगा, और इतनी बड़ी डिस्प्ले मजा आ जाता है यार देख के सब चीज। तो इसमें मिलता है एंड्रॉइड 13, और ये स्टॉक एंड्रॉइड है, कोई भी लेयर वेयर नहीं चढ़ी हुई, जैसे वन प्लस रियलमी अलग ही अपना UI इनका होता है, कलर OS जिसका नाम होता है या ऑक्सीजन OS जो भी कह लो। पर इसमें हमें मिलता है भाई स्टॉक एंड्रॉइड जो गूगल वाला होता है, प्योर एक्सपीरियंस मिलेगा गूगल का, और लेनोवो क्लेम कर रहा है कि 2 साल तक इसमें सारे अपडेट्स मिलेंगे, बाकी देखते हैं भाई कितने मिलते हैं। तो ऐसे वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली कैसे भी यूज कर सकते हो अपने टैबलेट को, और ऐसे स्वाइप अप करोगे तो अपना मेन्यू आ जाएगा, सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, और कोई ब्लॉटवेयर इसके अंदर हमें नहीं मिलता, एंड ऊपर से स्क्रॉल करोगे तो पूरा कंट्रोल सेंटर आ जाता है, यहाँ से सारी चीजें सेट वेट करनी हो वैसे ही जैसे एंड्रॉइड फोन होता है वैसा ही सारा कुछ। बाकी सेटिंग्स के अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे अगर वन विजन में आओगे तो यहाँ बता रखा है कि यहाँ पर हमें मल्टीपल स्क्रीन यूज करने के लिए क्या क्या चीजें मिलती है, एंड स्वाइप करके ऐसे होल्ड करोगे तो रिसेंट की जो एप्लीकेशन है वो सारी शो हो जाएंगी। एंड एक मिनी डिस्प्ले का फीचर भी मिलता है हमें, यहाँ पर 3 डॉट्स है, इन पे क्लिक करके हम इसे फुल स्क्रीन में भी कर सकते हैं, और वापस से अगर छोटी डिस्प्ले में जाना हो तो ऐसे छोड़ दो, ये छोटी डिस्प्ले बन जाएगी, इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, एंड हॉरिजॉन्टली भी ये बढ़िया काम करता है, स्मार्टफोन जितनी स्क्रीन बन जाती है। तो ऐसे 3-4 एप्लीकेशन एक साथ यूज करनी हो इतनी डिस्प्ले में, तो यहाँ 3 डॉट्स पे टैप करके स्प्लिट स्क्रीन किया, एंड यहाँ पर अपनी मनचाही कोई भी एप्लीकेशन खोल लो तो यहाँ स्प्लिट स्क्रीन पे चलेगी, एंड यहाँ पर अगर और कोई एप्लीकेशन डालनी है तो यहाँ गूगल की एप्लीकेशन को जैसे मैंने उठा के रख दिया तो ये छोटी सी एक एप्लीकेशन आ गई, ऐसे ही कैलकुलेटर की ऐप को भी भाई उठा के यहाँ रख दो, तो एक साथ भाई 4-4 स्क्रीन चल रही है, तो बहुत सारी मल्टीटास्किंग आराम से हो जाती है इसमें। एंड यहाँ एडवांस फीचर्स में हमें PC मोड, की मैपिंग और लैब फीचर्स मिलते हैं, एंड अगर इसे ऑन कर दें तो ये कंप्यूटर वाली वाइब देता है, फिर कीबोर्ड माउस लगा के इसे यूज करो बिल्कुल कंप्यूटर वाली फील आती है, पूरा एकदम सिस्टम भाई जैसे सैमसंग डेक्स आता है ना बिल्कुल वैसा बन जाता है। एंड यहाँ देख सकते हो कौन कौन सी रिसेंट एप्लीकेशन हमने ओपन कर रखी है, तो उनको भी ऐसे खोलोगे तो भाई मल्टीपल विंडोज ऐसे खुल जाएंगी। तो ओवरऑल UI में कोई भी दिक्कत नहीं है, स्मूथ भी है और स्टॉक एंड्रॉइड है तो बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुम नोट्स वगैरह बनाना चाहते हो या कलाकारी दिखानी है तो भाई तुम्हें चाहिए होगा एक स्टाइलस। अब इसके साथ स्टाइलस तो नहीं आता, अलग से परचेज करना पड़ता है, लेनोवो का पेन टैबलेट के नाम से आता है और कुछ 4,000 रुपए का उसका प्राइस है। या फिर एक सस्ता अल्टरनेटिव दिखाता हूँ, ये वाला स्टाइलस है 300 रुपए का, इससे भी भाई सारी चीजें चलती है, हर डिवाइस कंट्रोल हो जाता है जिसमें भी टच सपोर्टेड है, मोबाइल पे टैबलेट पे कहीं पे भी यूज करो। पर इसमें पाम रिजेक्शन नहीं है तो हाथ उठा करके करना पड़ता है जो करना पड़ता है, मतलब एक चीप जुगाड़ है कह सकते हो। अगर प्रॉपर नोट्स बनाने का ज्यादा काम है या क्रिएटिविटी दिखानी है तो मैं लेनोवो का ओरिजिनल स्टाइलस ही रेकमेंड करूंगा, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें पाम रिजेक्शन और प्रेशर सेंसिटिविटी वगैरह सब चीजें हैं। और बैटरी हमें मिलती है इसके अंदर 10,200 mAh की, ऐसा लगता है पूरे में बैटरी घुसा रखी है लगता है, तो ये आराम से तुम्हें एक दिन का बैकअप दे देगा अगर तुम इसमें पागलों की तरह घुसे हो, बिल्कुल 24 घंटे तक पेल रखा है भाई साहब। या फिर अगर मेरी तरह हल्का फुल्का यूज करते हो, रोज थोड़ा थोड़ा चलाते हो, तो 2 से 3 दिन या मे बी 4 दिन तक भी तुम्हारा आराम से काम चल जाएगा। बाकी 20 वॉट्स का जो चार्जर है उससे फास्ट चार्ज हो जाता है, कुछ 2-2.5 घंटे में फुल कर देगा, जो कि थोड़ा स्लो तो है पर क्या कर सकते हैं, अभी यार चार्जर दिया ही 20 वॉट्स का है, पर अगर एक बार फुल चार्ज कर लिया ना भाई साहब फिर 2-3 दिन तक पेलते रहो इसे, खत्म नहीं होती बैटरी। तो जैसा कि मैंने बताया कि 25,000 का भी इसका प्राइस चल रहा है, और 256 GB वाला 27,000 का, वो स्टोरेज के ऊपर डिपेंड है जो तुम्हें लेनी हो, बाकी मेमोरी कार्ड लगा के एक्सपेंड तो हम कर ही सकते हैं। बाकी इसमें हमें कोई सेलुलर वेरिएंट नहीं मिलता, ये भी एक ड्रॉबैक मुझे लगा, अगर मतलब मैं तो ऐसा कोई काम करता नहीं, बाकी अगर कुछ लोग हैं जिनको सेलुलर चाहिए तो वो ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है, तो अपने प्राइस को ये जस्टिफाई तो करता है, लेकिन कुछ इसमें कमियां मुझे लगी, जैसे कि रिफ्रेश रेट 60Hz से थोड़ा ज्यादा हो सकता था इस प्राइस पॉइंट पे, डिस्प्ले आउटपुट का सपोर्ट दे सकते थे, और भी जो चीजें हैं वो मैं सारी बता ही चुका वीडियो में, तो बस उनके अलावा और कोई दिक्कत मुझे लगी नहीं, वैसे काफी ज्यादा सॉलिड टैबलेट है एंटरटेनमेंट के हिसाब से, डिस्प्ले, स्पीकर, कैमरा वगैरह सब चीजें तगड़ी लगी मेरे को इसकी। ओवरऑल एक टैब से जो तुम एक्सपेक्ट करोगे वो सब चीजें फुलफिल्ड है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें हमें कीबोर्ड और स्टाइलस दोनों का सपोर्ट मिलता है, जो कि मेरे OnePlus Pad Go में नहीं था, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही काम आता है भाई। बाकी अगर तुम्हें ये सारे फीचर्स चाहिए तो Xiaomi Pad 6 में हमें हाई रिफ्रेश रेट, बेटर प्रोसेसर, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, या फिर तुम iPad की तरफ भी जा सकते हो अगर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा तगड़ी चाहिए, या फिर अगर बजट कम है तो 20,000 के अंदर OnePlus Pad Go प्रेफर कर सकते हो, या फिर Samsung का भी टैबलेट आता है उसे भी प्रेफर कर सकते हो, काफी मतलब बजट टैबलेट्स बहुत सारे आ चुके हैं मार्केट में। बाकी 25,000 के हिसाब से मुझे ये बढ़िया लगा, डिसीजन तुम्हारा, अगर खरीदना चाहो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो, मजा आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, इन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो, हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।